वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत एक लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां कोई कारण ना होते हुए फिरियादी को चार आरोपियों ने मारपीट की है। इतना ही नहीं तो फिरियादी के गले से सोने की चेन भी चुराई गई, जिसके चलते आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 सितंबर को रात 8 बजे पुलिस थाना वाठोड़ा क्षेत्र में अतुल पान शॉप के पास खरबी चौक मथुरा नागपुर यहां फिरियादी वैभव नारायण रुड़े आयु वर्ष 25 साल साई बाबा नगर निवासी यह उनके भांजे के साथ पान ठेले पर गए, जिस दौरान आरोपी सुमित तामखा ने आयु वर्ष 28 ऑरेंज नगर निवासी साथ में लुकेश पुंडलिक ठाकरे आयु वर्ष 20 अंबा नगर खरबी निवासी और नीलेश गजानन मोरे आयु वर्ष 28 चापनवाड़ी यौतमाल निवासी ऋषिकेश सचिन बडनाइक आयु वर्ष 19 सेनापति नगर निवासी इन चारों ने कोई कारण ना होते हुए भी फिरियादी को डंडे से पीटा। इस मारपीट में फिरियादी गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जहां मारपीट करते हुए आरोपियों ने फिरियादी के गले की एक तोले की चेन साथ ही साथ 40,000 रुपए जबरदस्ती से छीन लिए और साथ में लाई हुई स्विफ्ट कार से भाग गए। संबंधित मामले की शिकायत के संज्ञान पर अपराधियों के खिलाफ पुलिस थाना वाठोड़ा अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, साथ ही साथ मामले में निहित अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिरियादी वैभव रुड़े जो कि वाठोड़ा में ही रहते हैं, वो खरबी चौक में जो अतुल पान शॉप है वहाँ पे वो उनके पान और सिगरेट लेने तो गए थे। उसी टाइम वहाँ पे चार आरोपी जिनका नाम है सुमित तामघड़े, लुकेश ठाकरे, नीलेश मोरे और ऋषिकेश बडनाइक, ये भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने इसको नीचे गिराया और मारा और उसके गले में से चैन वो लोग लेके कार में बैठ के भाग गए। ऐसी उन्होंने 11 तारीख को रात को हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। तहकीकात में हमने उसी रात तीनों आरोपी को अपने ताबे में ले लिया। उन्होंने घटनास्थल से भागने के लिए जो भी कार वो लेके गए थे उनकी कार वो हमने जब्त की है। आरोपी हमारे कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बात तो नहीं था, ये चारों में से जो चलते आरोपी का नाम मैंने बताया उसके ऊपर पहले कुछ को दाखिल है, बाकी के ऊपर नहीं। हाँ, उस रात को हमने पूरी रात हमारी एक टीम डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने काम किया, उसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर गजानन राउत और पुलिस सब इंस्पेक्टर रविंद्र चौहान वो शामिल है और उनके तपास पदक की पूरी टीम उसमें शामिल है। उन्होंने ही वो आरोपी को पूरी रात मेहनत करके पकड़ा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।